दोस्तों नमस्कार, आपकी स्क्रीन पर जयप्रकाश नायक जी हैं और आगामी जनवरी फरवरी महीने में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। हम उनसे ही विषय की जानकारी लेने आए हैं। नायक साहब, हम जानना चाहते हैं कि आगामी महीनों में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और उनकी क्या रूपरेखा है। सामाजिक पंचायत मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जी 27 जनवरी 2023 को जी सामूहिक विवाह और यज्ञों को संस्कार का कार्यक्रम कार्यक्रम होने जा रहा है। जी जी, हमारा मेन लक्ष्य जो है जी कि समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा में लाना है जी, और एक सामाजिक समरसता और सामाजिक हमारी जो संख्या है जी जी वो कम से कम एक जगह आकर हाँ है ना, कि हम सब जो हैं समाज के लोग बिल्कुल हम सब एक हैं और इस प्रकार से जो भी हमारे परिवार के समाज के जो भाई लोग बहन लोग हैं जी उनका सामूहिक विवाह में जो भी जिनकी भी जोड़े तय हो गए हों जी जी वो आकर सामूहिक विवाह में अपना विवाह कराएं, यज्ञोपवीत कराएं जी। हमारा आपके बार का टारगेट 11 कम से कम 11 जोड़ों का है। अच्छा, बट तो करीब करीब 21 से ज़्यादा हो रहे हैं। वही 27 जनवरी को यह कार्यक्रम। अच्छा, ये आयोजन स्थल कहाँ रहेगा? आयोजन स्थल अभी दो जगह में से एक जगह कोई तय होगा जी जी। एक तो अग्रसेन भवन बाईपास पर है जी जी, और बेस्ट प्राइस के पास में जो है जी, और एक भी हम देख के आए हैं यहाँ पर रेवती। अच्छा, जो उज्जैन रोड पे रेवती जी। हाँ, रेवती है जी जी। वहाँ ब्राह्मण समाज के एक सज्जन है जी आनंदी लाल जी जी जी, उन्हें एक बहुत बड़ा परिसर बना रखा है जी जी, जिसमें करीब करीब 6,000-8,000 फीट का उनका एक पूरा हाल है। बिल्कुल, वो उसमें कमरे भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है। अब ये कमेटी में चूंकि अब मैं सामाजिक पंचायत का अध्यक्ष नहीं हूँ जी, क्या फिर भी अपना दायित्व जो भी पंचायत मुझे सौंपती है निभाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें अभी हम सब चर्चा बैठ के चर्चा करके दोनों स्थान में से एक स्थान कोई भी फाइनल करेंगे। अच्छा, जो यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहते हैं, जो सामूहिक विवाह में आना चाहते हैं, उनके लिए के जो एक योगदान होता है वो कितना आप ले रहे हैं, और ये मतलब इसके पूरी रूपरेखा कब तक फाइनल उत्तर लोगों तक पहुंच जाएगी सारी? इसमें वर वधु पक्ष से 21,000 रुपये जी, अनलिमिटेड जितने भी उनको लोग बुलाना है जी, जी वो बुला सकते हैं जी। बटुक में भी अपन 5,000 रुपये करते करा है पंचायत जी के वर्किंग बॉडी ने। हाँ हाँ हाँ, 5,000 प्रति बटुक लेंगे जी। यदि अगर इसमें जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है हाँ कि 21,000 नहीं दे सकते हैं जी या 5,000 नहीं दे सकते हैं, क्या हम रसीद तो उनको उस अमाउंट के देंगे 21 की देंगे सर। हाँ, बाकी वो जो भी है हाँ वो क्योंकि समाज में हम जवाबदेह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक परिस्थिति की वजह से कोई रह नहीं जाए। हाँ, इसलिए वो पूरा नहीं सही बात है, उसको अपनी तरफ से कर देंगे। हाँ, हम करने जी, करेंगे ही। हाँ, कोशिश नहीं करेंगे ही जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो कार्यक्रम है 27 जनवरी को इंदौर में होगा और जेपी नायक साहब ने हमें सारी जानकारी दी है। हम उनसे अन्य विषय पे और भी बातचीत किसी और दिन करेंगे। फिलहाल हम आज चूंकि आपसे बात कर रहे हैं, आज गांधी दिवस है, 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जी जो है उनकी जयंती है, तो जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांधी जी विश्व का आदर्श है जी। गांधी जी ने जिस रूप में जी इस देश को बनाया था जी, और गांधी जी का जो मैंने अध्ययन किया है जी, गांधी दर्शन जी, जिस देश में जाति धर्म संप्रदाय की बात हो या बांटा जाए, समझिए उस देश में मानवता की हत्या कर दी गई हो।
आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी विचारधारा जो है उसको पूर्ण रूप से यदि अगर लागू नहीं हुई, जाति संप्रदाय के आधार पर देश में नफरत अगर फैलाई जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देश को विघटन से कोई नहीं रोक पाएगा। मानवता के आधार पर हमारा देश, भारत देश महान है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, और इस प्रकार की जो ताकतें हैं जी वो इस प्रकार की नफरत से जी देश के, जैसे हम अगर मान लो आज कहें कि हमने पाकिस्तान के इंदिरा जी के टाइम पे दो टुकड़े कर दिए, है ना, यदि अगर ये नफरत वाला काम चलता रहा तो देश को टूटने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत जोड़ो यात्रा जी कांग्रेसीकरण नहीं है, हाँ, राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं उसको, और उनके पीछे लाजिक ही है कि जो नफरत में आज नफरतों का समावेश, आज समय की मांग है कि भारत को एक होना जरूरी है, भारत को एकजाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो कोई ऐसा समझता है जी कि राहुल गांधी पीएम बनने के लिए या ये करने के लिए वो करने के लिए अगर कर रहा है, आज जब भी हम देखते हैं तो जनसैलाब तो देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। आज यदि अगर मान लो उनको तरह तरह के शब्दों से नवाजा गया, वैसे तो गांधी जी के विषय में बहुत बुराई करते हैं, कुछ लोग नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं, है ना, तो ये आज का परिप्रेक्ष्य नहीं है क्या? भारत जोड़ो यानी दिलों को जोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल, जो नफरत से दिल टूटने के कगार में है उनको जोड़ो आप। और आज गांधी जी की पुण्य जयंती है, मैं महात्मा गांधी जी के आदर्श पे ही चला हूँ शुरू से और अंत समय तक ही, यानी मेरी विचारधारा में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बापू को आत्मीय नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी अमर।